पारकोस्थ के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मुझे विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच हमारे साथ उपस्थित प्रभारी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ श्री मनीष कुमार जी, जोनल समन्वयक गायत्री शक्तिपीठ डॉक्टर अशोक बाबू जी, व्यवस्थापक प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार श्री ज्ञान प्रकाश जी, मंच का संचालन कर रहे श्री निशांत रंजन जी, गायत्री परिवार के अभिभावक के रूप में डॉक्टर नरेंद्र बाबू जी, श्री शैलेंद्र जी जो अभी संगीत प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसे सभी हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथी आज बहुत बड़ी संख्या में इस गायत्री मंदिर परिसर के सभागार में उपस्थित इस तल पे और इसके ऊपर के तल दोनों तल पे उपस्थित लगभग की संख्या हमारे युवा भाई और यहां से जो लगभग 44 देशों में टेलीकास्ट हो रहा है जिसकी मुझे जानकारी दी गई, कई बार मौजूद रहे दुनिया के दूसरे कोने में दूसरे देशों में रह रहे गायत्री परिवार के हमारे सभी बंधुगण, सभी नौजवान साथी और इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए सभी साथीगण जो दूर में भी इस प्रकोष्ठ में प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने अपनी भागीदारी की होगी वैसे सभी लोग और मीडिया के हमारे सभी साथीगण मित्रों, ऐसे तो मैं जब के बाद उस वक्त से गायत्री परिवार से एक आध्यात्मिक संबंध रहा है, मन का विचार का संबंध रहा है। मेरी माता जी गायत्री परिवार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता जी का बहुत पूजन वंदन भी करते थे, तो बचपन के समय से ही इस गायत्री परिवार से एक संबंध कहें, एक लगाव कहें, विचारों का समन्वय कहें, ये रहा। और हमेशा से मन में इस बात का भाव रहा है, क्योंकि मैं भी इस राजनीतिक दल से आता हूं, आप सबको जानते हैं, इस मूल विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से आता हूं वो भी आप सबको जानते हैं। तो जो हमारे मूल विचार परिवार का इस देश की संस्कृति के प्रति, इस देश के इतिहास के प्रति, इस देश के भविष्य के प्रति, इस देश के समाज के प्रति जो विचार और सोच रहा है, उस विचार के बहुत नजदीक में इस गायत्री परिवार को बचपन से देख रहा हूं। इसलिए मैं बहुत सहजता के साथ इस बात को मानता था कि मैं भले ही किसी संगठन में कार्य कर रहा हूं जैसे आप सब लोग आज यहाँ युवा प्रकोष्ठ के साथी के रूप में काम करते हैं, तो मैं भी जिस संगठन में युवा काल से ही काम करता था तो मन में ये भाव रहता था कि हमारे कई अनुसारी इकाइयां हैं जो काम करती है इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं के बीच, अलग अलग धर्म करने वाले लोगों के बीच, क्योंकि समाज बहुत लोगों का समूह बनके बना है और समाज के अलग अलग तरह की दृष्टि करने वाले लोग हैं, कार्य करने वाले लोग हैं और उन लोगों के बीच भी हमारी संगठन के अनुसारी इकाइयां कार्य करती है। तो जब जब गायत्री परिवार के बारे में कार्यक्रमों के बारे में मैं कई पुस्तकों को भी पढ़ा हूँ गायत्री को, तो जब अध्ययन करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये गायत्री परिवार लगता था क्या लगता है आज भी है, हमेशा लगा है कि ये परिवार अपने ही बीच का परिवार है और हम जिस उद्देश्य से, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ और किया नहीं सिवाय सामाजिक राजनीतिक कार्य करने के, तो संपूर्ण रूप से एक प्रकार से जीवन समाज के लिए ही गया है, तो मैं यही समझता रहा हूँ कि मैंने जिस कार्य के लिए अपने जीवन को समाज में दिया, चाहे वो किसी विचार के साथ जुड़ के किसी सामूहिक राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ के या गायत्री परिवार भी देश के उसी पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, भारत माता के उसी परम लक्ष्य को पहुंचाने के
सोच के साथ काम कर रहा है, जिसकी चर्चा भी मनीष जी कर रहे थे, उनकी बातों को भी सुनता था। मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे गायत्री परिवार के किताबों को पढ़ा है, तो जिस भविष्य के भारत की कल्पना हम करते हैं और हम सब उस कल्पना के साथ जो काम करते हैं वही काम गायत्री परिवार भी करता है। मैं समझता हूँ कि अभी युवा प्रकोष्ठ की कुछ गतिविधियों के जो पुस्तक थे मैं उसको देख रहा था पिछले 27